इस बार भगवान इंद्र मध्य प्रदेश पर ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं और समूचे मध्य प्रदेश में बारिश ही बारिश नजर आ रही है। पर अब अधिक वर्षा से किसानों के चेहरों पर अपनी फसलों के बर्बाद होने का भय साफ नजर आने लगा है। SW24 न्यूज का एक व्यूअर जो रतलाम जिले के ग्राम पलदुना का किसान है, उसने बताया कि मेरे गांव में सोयाबीन की फसल प्रभावित हो गई है। फसल फलियों में ही अंकुरित होने लग गई है। लगातार हो रही बारिश से मेरे पूरे गांव के लोगों की फसल खराब हुई। इससे सोयाबीन की फसलें की फलियां ही उगने प्रारंभ हो गई। पलदुना में सोयाबीन की फसल पानी के कारण अंकुरित होने लगी और भारी नुकसान हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है। शासन प्रशासन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और किसान परेशान हो रहा है। जवाबदार बीमा कंपनी वाले फोन उठा नहीं रहे और किसान परेशान हो रहा है। किसान राकेश धाकड़, लखन सरवार, विनोद नागर, महेश सरवार, ओम प्रकाश पांचाल, पुष्कर चौहान और भी बहुत सारे किसानों की फसल सोयाबीन की है, जिसमें दाने अंकुरित होने से काफी नुकसान हो रहा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आकर सर्वे नहीं कर पा रहा है। पानी की वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और ना ही आज तक हमारे खेत पे कोई देखने को आया, पटवारी आया, ना कोई सरकारी अधिकारी आया, ना आज तक कोई हमें प्रकृति ने भी पूरी तरह से मार दिया है और ना सरकार की ओर से कोई सहायता है। कृपया करके सरकार के अधिकारियों से निवेदन है कि वो हमारी फसल का सर्वे करवाएं और हमें मुआवजा दिलवाने का की कृपा करें। मेरी फसल सब सड़ गई है और कोई सर्वे करने के लिए नहीं आए हैं, सब उग गए हैं पौधे, सब खराब हो गए, दाना निकल गए। ये हरी क्या गई देख लो सब हरी क्या, अभी तक कोई सर्वे करने के लिए नहीं आए हैं। मैं बद्रीलाल बोल रहा हूँ पलदुना से, और 50 बीघे की फसल सब सड़ गई और पूरा गांव की फसल नष्ट हो गई है। और पलदुना रतलाम जिला से बोल रहा हूँ मैं, पलदुना से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है और देखने के लिए हमको मुआवजा चाहिए और 2 लाख वो भी नहीं आया अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।